हाय गाइज, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने आए हैं। आप सभी के जो हमारे छोटे यूट्यूबर हैं, खास करके उनके लिए एक जानकारी है। आप सभी का वॉच टाइम देखा होगा कि अक्सर घटता बढ़ता रहता है, तो ये क्यों होता है इसी हम वीडियो में बताएंगे आप सभी को। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करें, तो हम आप सभी को जानकारी देते रहेंगे, आप सभी को बेहतरीन जानकारी मिलेगी। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी को कि वॉच टाइम अक्सर घट क्यों जाता है। आप सभी ने देखा होगा, तो हमारी राय रहेगी आप सभी लोग सबसे ज़्यादा जो वीडियो आपका पॉपुलर हुआ हो, जिस वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज आपके आए हैं, उस वीडियो पर आप वीडियो अपना बनाइए। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी के में पहुंचते हैं, किसी के मिलियन में पहुंचते हैं, तो आप सभी लोग उसी टॉपिक को चुनिए जिस टॉपिक के वीडियो में आपके पास सबसे ज़्यादा व्यूज आए हैं, और प्रतिदिन वीडियो डालने का प्रयास कीजिए, तो आप सभी के अच्छे व्यूज आएंगे आप सभी के वीडियो में और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, और ये जो व्यूज आपके आएंगे तो एक साल के लिए ही वैलिड रहता है आपका वॉच टाइम। आप सभी के वीडियो में एक साल के लिए वैलिड रहेगा वॉच टाइम, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो आप लोग डालिए, प्रतिदिन वीडियो डालने का प्रयास करिए, तभी हमारे छोटे यूजर बढ़ पाएंगे। हमारी जानकारी के अनुसार वॉच टाइम जो है आप सभी का एक साल के लिए ही वैलिड रहता है। ये एक बहुत खास जानकारी थी, तो हमने सोचा आप सभी के साथ साझा करें, और आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जो आपका वॉच टाइम है प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, आप सभी को मोनेटाइजेशन वाले पार्ट में दिखाई देगा, लेकिन आप सभी लोग देखें इसको, आप सभी का वॉच टाइम एक साल के लिए वैलिड रहेगा, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो जरूर डाला करें, तब आपका वॉच टाइम बढ़ता नज़र आएगा।